आई विजडम फॉलोज ह्यूमिलिटी स्टे हम्बल कीप स्ट्राइविंग टूडे इज 11th of May 2022। लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज इंडिपेंडेंट इंडिया फाइनल चैप्टर है जनरल स्टडीज रिविजन का। इसके बाद में ये पूरा कंपाइलेशन GS रिविजन क्लास का एक स्टैंड अलोन PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जस्ट रिवाइज। देन कल हम दो दिन के न्यूज़पेपर साइमल्टेनियसली करेंगे, तो हम सेम डे में भी आ जाएंगे। सो आज क्विज नंबर 15 के आंसर्स हैं, पाक बे लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। ऑन्टारियो एरी ह्यूरॉन मिशिगन सुपीरियर, दीज आर ग्रेट फाइव लेक्स ऑफ USA फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है बैकाल, डिएगो ग्रेशिया है इंडियन ओशन में, कालीमंटन है बोर्नियो आइलैंड में, न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। आज के सवाल हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडिड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से क्या एम्बॉडिड नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन व्हाट। इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसका क्या मतलब होता है। Who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of one sovereign democratic republic, which one is the most prominent element of a state? So these are five questions for today. आज की वोकैबुलरी है remit. Remit मतलब होता है रद्द करना, cancel or refrain from exacting or inflicting. Sanguine means आशावादी है, optimistic और positive है, especially in an apparently bad or difficult situation. Digression का मतलब होता है temporary departure है, जो main आपका root था, subject था, उससे temporary departure, detour. Hectored का मतलब होता है talk to someone in a bullying way, bullying is bad. Ruminate का मतलब होता है विचार करना, think deeply about something. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSET का passage है, try to read this passage and ये answer, try to answer. Then CSET के ये दो सवाल हैं, CSET का है and this is again reasoning, try to answer these two questions as well. So this is 11th of May 2022. First news है, India guided by Sri Lankan's interest, MEA का statement है, हम सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को, पीपल्स वेलफेयर को। तो श्रीलंका में अभी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडिया का स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारा स्टैंड क्या है, एज अ क्लोज नेबर जिसके साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं श्रीलंका के, हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक रिकवरी को। अरिंदम बागची साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, India will always be guided by the best interest of the people of Sri Lanka. So our priority is best interests of the people of Sri Lanka. But kaise? By democratic processes. India kabhi bhi violence, civil war, in sab cheezon ko promote nahi karta hai. The people of India have provided assistance for mitigating the shortage of essential items, जैसे food, medicine. श्रीलंका में अभी balance of payment crisis भी है, श्रीलंका के पास पैसे नहीं है, श्रीलंका dependent होता है majority of essential goods के import में, और import के लिए आपके पैसे होने चाहिए, बिना import के आप बिना पैसे के import नहीं कर पाओगे। तो India ने line of credit भी यहाँ पर दिया, essential items भी deliver किए जैसे कि food और medicine. ये एक फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल मैटर्स, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स में इंडिया कभी कुछ नहीं बोलता है। इट मेक्स सेंस टू एम्फेसाइज पीपल टू पीपल रिलेशन, बट दिस इज देयर पीपल टू पीपल रिलेशन। ये जो इनस्टेबिलिटी है नेबरिंग कंट्री में जो जनरेट हुई है, तो न्यू दिल्ली इसके लिए काफ़ी कंसर्न है। कंसर्न एक प्रॉब्लम और भी होता है कि नेबर में प्रॉब्लम होती है और रिफ्यूजी क्राइसिस हमारे यहाँ हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे श्रीलंका में पीपल आर लाइक मूविंग अवे, पुश हो रहा है वहाँ पे, पुश हो रहा है, माइग्रेट कर रहे हैं, तो रिफ्यूजीज आर फ्लीइंग, फूड शॉर्टेज है, अदर हार्डशिप है। तो ये जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है अगर होर्ड्स इन्फ्लक्स आने लग गया रिफ्यूजीज का फ्रॉम श्रीलंका, तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा। तो रिफ्यूजीज में भी जो हमारा स्टैंड रहा है, रिफ्यूजी
जो प्रॉब्लम है इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि जहां से रिफ्यूजी बने हैं उस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर, पीस, स्टेबिलिटी एंश्योर किया जाए। ये वर्ल्ड कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि आप रिफ्यूजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह सेटल कर दो। द सॉल्यूशन इज़ रिफ्यूजीज़ जिस रीज़न से बने हैं, जिस सोर्स में बने हैं, उस सोर्स को करेक्ट करना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ देयर। अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिट लाइन और डेट वेवर, गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कंसाइनमेंट ऑफ राइस और अदर सप्लाईज दिया है, बिकॉज बेसिक एसेंशियल चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड कराना मुश्किल हो रहा है। तो जो लोग हैं वो अभी वॉयलेंट भी हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस है। लेट अस सी आगे ये कैसे मूव फॉरवर्ड होता है। अब इससे बहुत बड़े लेसन्स भी हैं, श्रीलंका से बहुत बड़े लेसन्स भी हैं। एक तो जो डेट है, डेट इज़ बैड। चाइना ने इतना ज़्यादा डेट दिया श्रीलंका को, और श्रीलंका की पास सम टाइम से जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे, तो जो चाइना का जो डेट हुआ, मोस्ट ऑफ द जो डेट इन प्रोजेक्ट्स है वो सब जंक हो गया। वो जंक हो गया मतलब वायबल नहीं हुआ, फिजिबल नहीं हुआ। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, जो पॉलिसीज थी, अगर ओवरटली आइडियलिस्टिक पॉलिसीज है, जो श्रीलंका है प्राइमरली ये टूरिज़्म पे डिपेंड करता है, और अगर श्रीलंका में टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर वॉयलेंस हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट यहाँ पे आना पसंद नहीं करेंगे। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि श्रीलंका का जो मेजर इन्फ्लो होता था इनकम वाया टूरिज्म, वो स्टॉप हो गया। देन COVID-19 इज़ ऑल्सो वन फैक्टर। सो द पॉइंट इज़, ये सारे फैक्टर्स क्लब होके इतने बड़े क्राइसिस में कन्वर्ट हो गए हैं श्रीलंका में। अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबली इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करना ज़रूरी है। आगे और स्टेटमेंट है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी एंडोर्स किया है कि IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वो रेस्क्यू में आए और श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से रेस्क्यू किया जाए। मीनवाइल UN कंडम्स एस्केलेटिंग वॉयलेंस इन श्रीलंका। वॉयलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन, वॉयलेंस से फिर और चीज़ें डिटीरियोरेट होती है। सो वॉयलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन, मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स चीफ ने यहाँ पे अर्ज किया। देन चाइना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन फोकस एस क्राइसिस वर्जन, सी मैनी ऑफ देम आर नाउ गैदरिंग डस्ट। तो ये जो चाइना का सिस्टमैटिक डेट ट्रैप में श्रीलंका उलझ गया है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। सिमिलर चीज़ पाकिस्तान के साथ भी सेम स्टोरी रिपीट होता नज़र आ रहा है, नेपाल में भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है। सो द पॉइंट इज़, ये जो सिनिस्टर डिज़ाइन है सी कंट्री का, इसको भी यहाँ पे बताना ज़रूरी था। सो दिस इज़ स्टेट ऑफ टर्मोइल। अब यहाँ पर है, कैन सेडिशन एक्यूज्ड गेट प्रोटेक्शन, आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो अभी सेडिशन 124 जो IPC है इस पर बातें चल रही है, सेक्शन 124A टेम्पररीली इसको स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। रिवीजन की भी बात है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी आर्काइक लॉ। तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या आगे फर्दर मूव होता है। ये मैटर अभी ऑनरेबल कोर्ट के पास है, लेट अस सी। तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल हैं। व्हेनेवर देयर इज़ मिसयूज देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड रेमेडीज। देन चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मीनवाइल दोज बुक्ड विल बी इन जेल फॉर मंथ्स, वी कैन नॉट आस्क ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू गो टू द कोर्ट। तो ये जो सेडिशन होता है, सेडिशन का जो स्पीच है, एट टाइम्स उसको कंट्री के अगेंस्ट मान लिया गया है, उसका इंटरप्रटेशन कैसे किया जाएगा। हम वैसे भी डिजिटल वर्ल्ड में हैं, सो व्हाट कम्स अंडर सेडिशन, व्हाट इज़ नॉट सेडिशन, ये क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होने के कारण मिसयूज भी होता है। सो दिस इज़ गुड कि यहाँ पे इसको रिकंसिडर किया जा रहा है। देन सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज़ त्रिसुर कीप्स इट्स डेट विद पूरम आफ्टर 2 ईयर। तो फेस्टिवल्स यहाँ पे हो रहे हैं, कोविड के कारण फेस्टिवल्स भी ऑलमोस्ट सब नो शो हो गया था। अब अनप्रेसिडेंटेड क्राउड कन्वर्ज हुआ यहाँ पर, सेरेमनीज है, एलिफेंट का परेड भी है। तो जैसे ये एलिफेंट लाइंड अप है, फायर वर्क भी हो रहा है त्रिसुर पूरम फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन लाइफस्टाइल का। फेस्टिवल्स में भी रीजनल फेस्टिवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजनल फेस्टिवल्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, एवरीवेयर। देन दिस इज एडिटोरियल, द एंड ऑफ अ ब्रांड। यहाँ पॉलिटिकल कमेंट्री दिया है कि ये जो राजपक्षा ब्रदर्स हैं, पॉलिटिकल इनको क्या डिफिकल्टी हुआ, डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ। सोसाइटी भी फ्रैक्चर्ड नहीं होनी चाहिए। जो फिशर्स आ जाते हैं सोसाइटी में फिशर्स आ जाते हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन रीजन एट्सेट्रा, ये चीज़ डेट्रीमेंटल होती है एंटायर सोसाइटी की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। सो दैट इज़ वाई एक जो टर्म हमने पहले देखा था, पीस का डिविडेंड बहुत अच्छा होता है, पीस डिविडेंड। और यूनाइटेड
देर इज मैसेज एज वेल कि ये जो फिशर्स हैं नॉट गुड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. देन मेजरिंग द चेंज, इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर टू एनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक सर्वे. अब सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी ज़रूरी होते हैं, और ये भी ज़रूरी होता है कि जो डेटा है वो रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो. रॉन्ग डेटा, रॉन्ग पॉलिसीज. तो इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, वो सब जो हो वो बेस्ड ऑन साउंड डेटा हो, रिलायबल डेटा हो. तो अभी जैसे ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं, इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रन, बर्थ इन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशनल वैल्यू लेवल्स. अभी NFHS-5 का रिपोर्ट आया था, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, NFHS-5. तो इसमें ये सारा डेटा हमें मिला, सोशो इकोनॉमिक. यूजुअली डेटा ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुआ है, गेन हुआ है चाइल्डहुड न्यूट्रिशन में, मिनिमल इम्प्रूवमेंट इन ओबेसिटी लेवल्स हाई हुआ है. तो सी, फूड जो होता है ना, फूड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूट्रिशन और दूसरा होता है क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब फूड सफिशिएंट क्वांटिटी का मिलना चाहिए, और जो वो फूड है उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होना चाहिए. ये ओबेसिटी आजकल बड़ी प्रॉब्लम होते नज़र आ रही है. आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट न्यूज़पेपर में ही कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स एट्सेट्रा हैं, वहाँ ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है. सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया होता है, दिस इज़ अगेन नॉट राइट. एक और रिपोर्ट था, जैसे आयरन फॉलिक टैबलेट दिया जाता है स्कूल्स में, तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो एडोलेसेंट है, गर्ल्स हैं, वो एनीमिया का उसमें प्रॉब्लम देखने को मिला. तो दिस इज़ नॉट राइट. तो इसीलिए हम फूड फोर्टिफिकेशन की भी बात करते हैं. तो न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, एनीमिया, ये सब चीज़ें हैं. अभी इधर हमें बिहेवियरल और सोशोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होगा. ये हाइलाइट्स हैं. एक और प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है फर्टिलिटी का डिक्लाइन हो रहा है. इंडिया की डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट भी है. रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होती है. अगर 2.1 TFR होती है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी. इंडिया की 2.0 हो गई है, मतलब अब हमारी पॉपुलेशन थोड़े टाइम पे पीक करने वाली है, इसके बाद पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा. वैसे डिक्लाइन तो होगा, देर वॉज वन अनदर रिपोर्ट, चाइना में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है. बाय द एंड ऑफ 2100, अभी कितना चल रहा है, 2022, 2100 एंड होते होते पॉपुलेशन, एक रिपोर्ट आया था कि हमारी हाफ हो जाएगी करीब पॉपुलेशन 2100 होते होते. सो दिस इज़ वन रीज़न कि फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है. देन इसके बाद ये जो फैक्टर्स हैं सोशो इकोनॉमिक, स्टेट वाइज देखें, अब फर्टिलिटी रेट भी ऐसा नहीं है सब राज्यों में सेम है. सदर्न जो स्टेट्स हैं यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गई है, जबकि ये जो गैंगेटिक बेल्ट के स्टेट्स हैं यहाँ अभी भी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है. सो इससे भी एक डिवीज़न हो रहा है. So this is one thing. Plus less than a third of married women are working. 44% do not have the freedom to go to the market. तो ये जो patriarchy है और gender equality है ये भी कम है. तो the point is socio economic surveys में ये सारी चीज़ें include होना चाहिए. एक और important point यहाँ पर है, और वो है marital rape का. So इससे भी जो लीगल क्वेश्चंस हैं, इसको, इसके अगेंस्ट क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए, किस तरीके से सोशियोलॉजिकल और एज वेल एज लीगल फ्रंट में यहाँ पे हम क्या सेफगार्ड्स कर सकते हैं, दिस शुड बी यहाँ पे कंसिडर्ड होना चाहिए. देन इट इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशन. देन मल्टीपल सर्वेज हो, NFHS हो, सैम्पल्स रजिस्ट्रेशन सर्वे हो, सेंसस हो, लेबर इकोनॉमिक सर्वे, ये सब क्या है, सर्वे हुए. तो सर्वे बहुत ज़रूरी होता है. इन सर्वे से जो डेटा आता है उस डेटा से हमें पॉलिसी जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं उनको एक पिक्चर नज़र आती है कि अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. जैसे NFHS 2.0 का डेटा, NFHS में 2.0 आया टोटल फर्टिलिटी रेट, सो अब पॉपुलेशन पॉलिसी कैसे बनाए हम, लाइक दैट. तो मेजरिंग द चेंज, अब इसमें एक ही चीज़ होना चाहिए. जैसे पहले सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया था, वो रिपोर्ट बहुत टाइम तक रिलीज़ नहीं हुई, और बाद में ये बोला गया कि ये रिपोर्ट जंक है और अनरिलायबल है. तो रिपोर्ट्स एंड डेटा की रिलायबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी. अब सी, हिस्ट्री रिपीट्स. रिमेंबर 2007 का टाइम था, 7-8 का टाइम था, एक रेसेशन आया था बहुत बड़ा वर्ल्ड में. रेसेशन से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पॉलिसी ये अपनाया कि ईजी मनी सप्लाई करो, खूब ह्यूज अमाउंट में पैसा पंप करने लग गए वो मार्केट में. अब मनी इज़ वन थिंग, जैसे श्रीलंका के केस में भी देखा, चीप लोन्स तो मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट रीपे कैसे करोगे उसे, व्हाट अबाउट उसको आपका एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या नहीं है,
चाइना ने सबको पाइप्ड ड्रीम्स दिखाए कि हम इतना ह्यूज बिल्डिंग्स बना देंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस एंड दैट, बट व्हाट इज़ द यूटिलिटी, इज़ दैट रिक्वायर्ड? तो सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ। 2007 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो सारे सेंट्रल बैंक ने ईजी मनी पॉलिसी अपनाया, खूब ह्यूज अमाउंट में जो लिक्विडिटी है वो पंप करने लग गए। मार्केट में कैपेसिटी नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की। ज़्यादातर 2007-8 के जो हैं लोन्स वगैरह वो सब के सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनेंगे, और बाद में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना उनका बहुत बड़ा हेडेक बनेगा ये। तो सेम चीज़ अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इससे पहले जब COVID-19 लॉकडाउन लगा हमने देखा, हमने फोकस ज़्यादा किया लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने में, बट लॉजिस्टिक्स के चैलेंज है। एंड वेयर इज़ द डिमांड? इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस तो कर लिया इतने सारे यूनिट्स, बट वेयर इज़ द डिमांड? कंज्यूमर सेंटिमेंट्स ही नहीं है, वो खरीदना ही नहीं चाहते वो प्रोडक्ट, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी ख़राब हो गया और इसके कारण ये डिफ़िकल्टी आने लग गई। प्लस बहुत ज़्यादा मनी पंप हो गया तो इन्फ्लेशन होने लग गया, क्योंकि वो मनी यूटिलाइज नहीं हो रहा, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन बनने लग गई। तो इन्फ्लेशन आज की डेट में केवल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है, पॉलिसी में भी जो मिसमैनेजमेंट हुआ है ओवर द वर्ल्ड, ये भी एक रीज़न है कि क्यों इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया है। अब अनकंट्रोल्ड हो गया है, 7% इन्फ्लेशन चल रही है, बैंक में आपको सेविंग अकाउंट में 3% मिल रहा है, FD में 5% मिल रहा है, तो ये आपका पैसा जंक हो रहा है सारा का सारा। इन्फ्लेशन तो 7% है, आपको हर 2% का लॉस हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को टेम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो RBI अब बोल रही है अब हम अकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं करेंगे, अब हम रेट बढ़ाना चालू कर रहे हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट टैंडम में चलती है, दोनों बढ़ा दिया। इन द सेंस अब जो एक्स्ट्रा मनी है मार्केट में उसको स्क्वीज़ करो, ड्राई करो उस मनी को, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी। सो द प्रॉब्लम इज़ दिस लिक्विडिटी, एक्सेसिव लिक्विडिटी इज़ द प्रॉब्लम जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। अति सर्वत्र वर्जते, अभी जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना आपको इतना टन्स एंड टन्स ऑफ कॉन्टेंट मिलने वाला है, बट इज़ दैट रिक्वायर्ड? क्या आप इतना कंज्यूम कर पाओगे, डाइजेस्ट कर पाओगे? नो। सो द पॉइंट इज़ ऐसा नहीं करना है, वरना वो फिर सब एंट्रोपी बनेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा और आप बेसिक्स अपने भूल जाओगे फिर उसमें, ऐसा नहीं करना है। सो कंटेंट में भी अभी ओवरडोज नहीं करना है, आप सिंपल चीज़ों को पढ़ो जो अभी तक आपने पढ़ा है, बेसिक्स फंडामेंटल्स अपने करेक्ट रखो, ये एग्जाम फंडामेंटल्स के थ्रू ही निकलता है। ओके, सो देर इज़ वन लेसन एज वेल, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी। अब यहाँ पे यही बात का है, WPI इतना ज़्यादा है, प्रोडक्शन में इम्पैक्ट हुआ, तो कॉस्ट पुश भी है, जैसे कमोडिटी प्राइसेस का भी डिफ़िकल्टी हो गया रशिया यूक्रेन वॉर में। अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर भी देखो, डे वन से हमने जैसे कवर किया बिना हाइप के, बिना सेंसेशनलिज्म के और इंडियन इंटरेस्ट को आगे रखते हुए, जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर को कवर किया, अभी 2 महीने बाद देखो चीज़ें अब वैसी ही नज़र आ रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू कि बहुत ज़्यादा ऐसा ओवरट एंथुजियास्टिक नहीं हो जाना चाहिए हमें उसको सेंसिबली चीज़ों को कवर करना चाहिए। अब ये जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ, यूक्रेन क्राइसिस में विनर कौन हो रहा है वहाँ पे? विनर यूक्रेन इज़ डिस्ट्रॉयड, हु इज़ द विनर ओवर हियर? दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो उसके कारण कमोडिटी प्राइसेस का डिफ़िकल्टी तो हुआ है, बट साथ ही साथ एक्सेसिव लिक्विडिटी इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो इस फैक्टर को कंसिडर करना ज़रूरी है। तो RBI अभी देखो CRR, अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली एक सवाल आना चाहिए, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, रेपो, रिवर्स रेपो एट्सेट्रा। देन फूड रेगुलेटर नीड्स टू स्टेप अप टू द प्लेट। यहाँ भी एक और सेम स्टोरी है जो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, FSSAI जो बोल रही है जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप मेंशन करो वहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, साथ ही साथ आप एक मैसेजिंग भी दो इट इज़ हेल्दी नॉन हेल्दी, ऐसा कुछ कलर कोडिंग कर दें तो और बेहतर है। जैसे वेजिटेरियन का ग्रीन होता है, नॉन वेज का रेड होता है, तो सिमिलरली कलर कोडिंग लेबल लगा दें कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है, लाइक दैट। तो कंज्यूमर के पास एक मोटिवेशन भी होगा, अगर उसमें वो देख रहे हैं नॉन हेल्दी फूड है तो वो हो सकता है उसे नहीं खाए फिर, तो फूड रेगुलेटर इस डायरेक्शन में बढ़े। बाकी हेल्थ कंसर्न्स हैं, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड है, कैलोरीज हाई है, शुगर है, फैट है, सॉल्ट है, तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, ओबेसिटी अमंग एडोलेसेंट्स, इंसुलिन इनसफिशियंसी हो रही है, एडल्टहुड में ही डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कार्डियक एंड रीनल डिसीजेज हो रही है। सो वी नीड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन और हेल्दी फूड हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें प्रमोट करना ज़रूरी है। ऐसे ही वर्क में भी ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी वर्क स्टाइल हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को भी यहाँ पे मेंटेन करें, कंज्यूमर बिहेवियर करें, परचेजिंग कैसे करें, ड्यू वार्निंग होनी चाहिए लेबल्स में, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो द आइडिया इज़ FSSAI को रेगुलेशन फ्रंट पे जो अभी डिसीजन है हेल्थ स्टार रेटिंग का, जिसमें उसने बताया था सारे इंग्रेडिएंट्स देना है, इसको और बेटर वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फूड सेफ्टी दिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज दैट। अब जो नेक्स्ट है वो है लर्निंग ग्राउंड्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन से क्राइसिस से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। पहला तो दो कंट्री की लड़ाई दो कंट्री के बीच में होना चाहिए, तीसरे को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सो इंडिया हमेशा इस बात पे बहुत अच्छा लेसन सीखा है और हमेशा हम यही बोलते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, दिस इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वी डू नॉट वॉन्ट USA, वी डू नॉट वॉन्ट रशिया इन टू दिस। इंडिया वर्सेस चाइना हुआ, हमने यही कहा, कितना प्रेशर आया था चाइना को कॉर्नर करने के लिए USA एटसेट्रा, बट हमने क्या स्टैंड किया, ये इंडिया चाइना का मैटर है, हम इंडिया चाइना ही इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ बायलेटरल इशू। सो दिस इज़ लेसन नंबर वन। प्लस साइज ऑफ द आर्मी डजंट मैटर, उस आर्मी में कितना मॉडर्नाइजेशन है, उस आर्मी में कितना एंथुजियाज़म है, उस आर्मी के पास कितनी इंटेलिजेंस है, वो आर्मी कितना स्विफ्ट मैनर में एक्ट कर सकती है। बिकॉज गॉन आर द डेज जब ऐसा रेगुलर ट्रेडिशनल वॉर होता था, अभी की जो वॉर है वो इन्फॉर्मेशन वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर है, इंटरनेट वॉर है और स्विफ्ट वॉर है। तो दिस इज़ दैट, अलायंसेस मैटर होता है, इंटेलिजेंस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब एयरक्राफ्ट्स का जैसे डॉग फाइट होता है तो एयरक्राफ्ट कौन सा जीतता है, वो नहीं जीतता जो ज़्यादा बहुत सुपीरियर है, मिसाइल्स बहुत अच्छी है उसके पास, लाइक दैट नो, जीतता वो है जिसका रडार अच्छा होता है। रडार जिसका अच्छा होता है वो सामने वाले एनिमी को बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेता है, और जिसने पहले डिटेक्ट कर लिया इनकमिंग ओपोनेंट जो है उसका फाइटर को, प्लेन को, वो एडवांटेज में आ जाता है, जिसने पहले डिटेक्ट किया वो एडवांटेज में आ जाता है। सो अगर एयरप्लेन में, फाइटर प्लेन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है उसका रडार। मिसाइल्स आर ओके, मिसाइल्स भी अच्छी होनी चाहिए, बट रडार इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ऑब्वियसली मशीन से बेटर होता है जो पर्सन बिहाइंड दैट मशीन है, जो उस प्लेन को उड़ा रहा है। सो ये चीज़ें होती है ना, ये फौज में लाने की ज़रूरत है। लीन बनाओ फौज को, मीन बनाओ, और ज़्यादा उसको वेल ट्रेंड बनाओ, वेल ट्रेंड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना ज़रूरी है। तो अब ये जो एपिसोड हुआ यूक्रेन और दिस रशिया का, इससे पूरे वर्ल्ड का जो है ना, जो जिस तरीके से वॉर प्रिपरेशन होती है वो चेंज हो गई है, यार्ड स्टिक ऑफ डिटेरेंस कैपेबिलिटी एट्सेट्रा। तो ये भी एक चीज़ है। प्लस साइकोलॉजिकल इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसमें यूक्रेन ने इतना अच्छे से अपने सारे पॉइंट्स रखे, स्टैंड लिया, तो पब्लिक सपोर्ट भी ज़्यादा मिला, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, द लर्निंग ग्राउंड्स ऑफ यूक्रेन। मीजल्स थ्रेट लूम्स लार्ज, मीजल्स का फिर से यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, दिस इज़ अ वरिंग साइन, पैंडमिक रिलेटेड डिसरप्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, मीजल्स। देन दिस इज डेडली फीवर, देन दिस इज सर्जिंग इन्फ्लेशन, थर्मल पावर, कोल्ड शॉर्टेज, रुपी थोड़ा रिकवर हुआ, सेडिशन के केसेस। यहाँ बात है मॉडरेटिंग द पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप, पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप, जैसे फेसबुक आया, ट्विटर आया, यूट्यूब आया। अब इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज हो गई। अब जो रेगुलर मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म्स एट्सेट्रा हैं, उनको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, और एक और बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है प्राइवेसी। ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर में भी अक्सर ऐसा बात आता है कि शेयरिंग ऑफ दिस पीडीएफ द हिंदू, इस तरीके से ग्रुप्स में शेयर करना, इट इज़ नॉट अलाउड। इससे क्या होता है कि हम अगर प्लेटफॉर्म में, जैसे अगर हिंदू न्यूज़पेपर देखो, 899 रुपीज़ का एनुअल सब्सक्रिप्शन है, अगर आप डिजिटल कॉपी इसका ऑफिशियली यहाँ से ले रहे हो, 899 रुपी एनुअल है, मतलब ये कुछ 2.5-3 रुपए समथिंग पड़ा, आपको 365 से डिवाइड कर दो। अब क्या होगा अगर ये बेसिक अगर फ़ी नहीं आएगा, तो कॉस्ट होती है न्यूज़पेपर को भी रन करने का, न्यूज़पेपर में न्यूज़ कलेक्ट करना है, न्यूज़ पब्लिशर्स को स्टाफ का सैलरी देना है एट्सेट्रा। अगर इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर दिस, तो न्यूज़ पब्लिशर उस मनी को कैसे कंपनसेट करेगा। दो ऑप्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं बिकॉज इनकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। दूसरा ये होता है कि वो फिर एडवर्टाइजमेंट बन जाते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। सो द पॉइंट इज़, किसका लॉस हुआ दोनों से लॉस होता है, वो होता है व्यूवर्स का।
क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ पब्लिशर कॉम्प्रोमाइज होने पड़ जाती है, बिकॉज रन मनी तो चाहिए होगा ना, रेवेन्यू चाहिए होगा, तो ये फिर एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा पे हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी अगर आ रहे हैं तो फिर एक पर्टिकुलर उनको फॉलो करना पड़ रहा है कोड एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, इन सब चीज़ों से व्यूअर एट लॉस होता है। दैट इज़ वाई जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, इवन एलॉन मस्क ने भी ट्विटर को अभी ऐसा कहा है कि एक कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, एक मिनिमम बेयर मिनिमम फी हो। जैसे हम भी कोर्स रन कर रहे हैं, ये कोर्स मोस्ट ऑफ द कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट 111 में। बट ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव पेड द फी। उनके फी पे करने के कारण ही इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रन हो पा रही है, बिकॉज इसका भी एक कॉस्ट आया, इनपुट्स आए। सो द पॉइंट इज, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ दो चीज़ रिक्वायर्ड है। एक तो फीजिबल बनाओ इसे, इकोनॉमिकली फीजिबल बनाओ, और देन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एट्सेट्रा होना भी ज़रूरी है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो अभी यूरोप में भी ये बात चल रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि गवर्नमेंट जो जैसे न्यूज़ पब्लिशर का गूगल या डिजिटल न्यूज़ में हो रहा है, तो इनका एक कट इनको पहुंचाना चाहिए ताकि ये इनका पूरा ऑपरेशन है वो भी एक फीजिबल, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बना रहे। तो दिस इज़ देयर द ग्रिम फोर वार्निंग ऑफ अ ग्लोबल स्टडी ऑन बर्ड्स। ये अब जो वार्निंग है वो ये है कि बर्ड्स जो है, फौना, इनका एक डिसअपियरेंस हो रहा है, एक एक्सटिंक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का। ऐसे दौर पहले भी आए थे बट इस बार बहुत सीवियर और बहुत हायर क्वांटिटी में, हायर नंबर में बर्ड्स फ्लोरा है ये डिसअपियर हो रही है। बर्ड्स का डिसअपियर होना इज़ नॉट एट ऑल राइट फॉर अवर इकोसिस्टम, बिकॉज बर्ड्स करती है इकोसिस्टम सर्विसेज। इनके फंक्शनल रोल होते हैं, ये पॉलिनेटर होती है, सीड डिस्पर्जर होती है, इकोसिस्टम का इंजीनियर होती है, स्केवेंजर्स होती है, प्रेडेटर्स होती है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पता है स्नेक भी ज़रूरी होता है, क्योंकि स्नेक क्या करता है, फ्रॉग्स और ये जो दूसरी स्पीशीज़ है, रैट्स वगैरह, इसको कंट्रोल में रखता है। स्नेक्स नहीं होंगे तो रैट्स और फ्रॉग्स, इन सब की स्पीशीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बूम होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स होने लग जाएगा। सो द पॉइंट इज, इकोसिस्टम में चाहे वो स्नेक हो, रैट हो, एवरी स्पीशीज़ का एक रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो एवरी स्पीशीज इज इम्पॉर्टेंट। बर्ड्स अगर नहीं होंगी तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो द पॉइंट इज, बर्ड बायोडाइवर्सिटी भी क्यों कम हो रही है, ह्यूमन एंडेवर के कारण। हम एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर इनका ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो बर्ड्स भी नहीं रहेंगी। दीज आर द प्रॉब्लम, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कोरल रीफ फिश प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन शोन टू इंक्रीज एज सी बर्ड कॉलोनीज रिकवर्ड फॉलोइंग रैट इरेडिकेशन इन चैगोज आर्किपेलागो। वाइल्ड बर्ड्स प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम देम आर ऑल्सो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज फूड, मीट, एग। तो ये जो नेचर होता है ना, ये एट टाइम्स दूर से देखो तो केओटिक नज़र आता है, बट अगर आप क्लोजली उसको मॉनिटर करो, डेविड एटनबोरो को सुनना कई बार बड़ा मोटिवेटिंग लगता है, तो वो बताते हैं कि नेचर में हर चीज़ एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है, एवरीथिंग इज़ सो बैलेंस्ड। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण ह्यूमंस वैसे ही कल्प्रिट है, वो इस बैलेंस को डिसबैलेंस कर रहे हैं, और इसके कारण ये पूरा हमारा सर्वाइवल भी थ्रेट पे आ रहा है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बर्ड इकोसिस्टम एंड कल्चर में ह्यूज है। इसके अलावा आर्टिस्टिक वैल्यूज़ भी होती है, बर्ड वॉचिंग होता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, आंसर, बर्ड वॉचिंग। सो ये जो है स्पीशीज़ कम हो रही है, तो एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आया कि दिस इज़ अ सीरियस थिंग, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए। ओके, ग्रोइंग फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम। हम एनिमल्स हमारे घर में नहीं आ रहे हैं, हम एक्चुअली एनिमल के घर में जा रहे हैं। जब भी वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, दिस इज़ द रीज़न। टाइगर नहीं आ रहा है, हम टाइगर के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, दैट इज़ वाई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर एलजेब्रा सिस्टम है, दिस इज़ वोल्फ्राम अल्फा, सो दिस इज़ गुड। इंटरनेट ने एक चीज़ बहुत अच्छा कर दिया है, वो कर दिया है, टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो गई, कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो गया। ऑल यू नीड इज़ वन गैजेट और पूरा इंटरनेट का माइट आपके हाथों में, दिस इज़ रियली गुड। गवर्नमेंट नोटिफाइज टॉप स्पोर्टिंग इवेंट्स, देन प्लान्स अंडर वे ऑन क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। सी, फौज भी अब इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। एयरफोर्स अलग, आर्मी अलग, नेवी अलग, नो, इनको एक कंबाइंड करो, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाओ। जो फॉर्मर CDS थे हमारे अभी बिपिन रावत साहब, ये भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो आर्मी हैज़ आइडेंटिफाइड फॉर्मेशंस टू बी कन्वर्टेड। अभी न्यू चीफ हैं जनरल पांडे,
आर्मी के, ये इंजीनियरिंग दिस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चेंजेस हैं उसको काफ़ी फोकस में रख रहे हैं। तो दिस इज़ देयर रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा। कमांड जो होती है ना, कमांड बड़ा यूनिट होता है, लार्जेस्ट स्टैटिक फॉर्मेशन होता है आर्मी का, और ये एक अक्रॉस अ डिफाइंड ज्योग्राफी होता है। कमांड के अंदर होती है कोर, कोर जो होती है ये मोबाइल फॉर्मेशन होता है, और कोर के अंदर होते हैं डिवीजन्स, इस तरीके से हायरार्की है। फिर जैसे अभी अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक 2001 में, इंडियन मिलिट्री अंडरटुक मैसिव मोबिलाइजेशन, बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, स्विफ्टनेस, फौज को तुरंत शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टाइम इज़ द करेंसी, तो हफ्ते लग गए हमें शिफ्ट करने में, नॉट राइट, तो ये मोबिलाइजेशन क्विक होना चाहिए हमें। तो आर्मी ने इसके बाद एक डॉक्ट्राइन अपनाया था जिसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन करते हैं, टू लॉन्च स्विफ्ट ऑफेंस, स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस होना ज़रूरी है। तो ये है थ्रेट टेरेन टास्क जो हैं वो आर्मी को अपडेट करें। नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली जो हमारी फौज है उसको चेंज होना ज़रूरी है। रेन लैशेज एपी कोस्ट एज असनी मूव्स क्लोजर, साइक्लोन आ रहा है। देन दिस इज मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द वर्क, इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, अकाउंटेबिलिटी। आर्मी चीफ गेट्स परम विशिष्ट सेवा मेडल, डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी दिस हेल्ड। देन दिस इज नेक्स्ट, देन प्रिंस चार्ल्स डिलीवर्स क्वींस स्पीच नॉर्दर्न आयलैंड। डेट नॉर्म क्लाउड स्टेट्स बोरोविंग, डेट नॉर्म क्लाउड स्टेट्स बोरोविंग, ऑफ बजट बोरोविंग है, लिफ्ट ट्रांसपेरेंसी। स्टेट्स के साथ भी प्रॉब्लम ये है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए और इनकम इनका काफ़ी कम हो गया, कट हो गया, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना हुआ है, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट इज अ इशू, 12 मीटर ई बस। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस कम टू रिवीजन। आज हम प्राइमरली हिस्ट्री देखते हैं और 45 से 47 का जो इवेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसको हम क्विकली कवर करते हैं। वेवल प्लान 1945 में आया था, इससे पहले का हमने लास्ट सेशन में देखा था। वेवल प्लान 1945 में है, अभी भी वर्ल्ड वॉर इनका बैकड्रॉप है अभी भी। तो 1939 में जैसे इंडिया को ज़बरदस्ती इन्होंने वॉर में इंक्लूड कर लिया, ये जो वर्ल्ड वॉर टू थी हमारी वॉर नहीं थी, बट हमें पुश कर दिया गया, पुल कर लिया इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में। तो जो प्रोविंशियल जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने सब रिज़ाइन कर दिया था, पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था, इस डेडलॉक को दूर करना है। तो 1945 में वेवल प्लान आता है। वाइसरॉय लॉर्ड वेवल होते हैं ये। 14 जून 1945 को ऑर्डर्स होते हैं और ये बात होती है वेवल प्लान, पॉलिटिकल डेडलॉक दूर करना है। अब इसमें क्या होता है, एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे। अब इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे जिसमें एक्सेप्ट वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ सब इंडियंस होंगे। बाकी पोर्टफोलियो डिफेंस जो होगा वो भी, दिस वर टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मेंबर्स, एक्सेप्ट डिफेंस, डिफेंस के अलावा सारा अब इंडियन रिप्रेजेंटेशन होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सो द आइडिया इज़ इंडिया को, इंडियन पीपल को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो ये था वेवल प्लान। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे सी आर एटली गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंस किया। ये एक हाई पावर्ड मिशन था, इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 इंपॉर्टेंट पर्सन थे। सर पैथिक लॉरेंस, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड। ए वी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। तो 24 मार्च 1946 को ये आता है कैबिनेट मिशन प्लान, बिकॉज इसमें कैबिनेट मेंबर्स आए थे ब्रिटिश कैबिनेट के, ब्रिटिश कैबिनेट के ये 3 मेंबर्स थे, तो इसको कैबिनेट मिशन प्लान बोल दिया। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे सी आर एटली। अब प्रपोज क्या होता है यहाँ पे, कि अब ब्रिटिशर्स को पता है हमें जाना है यहाँ से, तो पीसफुल ट्रांसफ़र कर दो, जो भी है इंडिया का वो पीसफुल ट्रांसफ़र कर दो पावर, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी बनाओ, इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ और पैकअप एंड लीव। अब ब्रिटिशर्स ये एक्सेप्ट कर लिए थे। प्रपोजल्स क्या थे इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में, तो यूनिटी ऑफ इंडिया रिटेन रहेगा, डिवीज़न की बात नहीं है। जो लीग की डिमांड थी फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान की, वो सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली। ये जो लीग था, इधर पॉलिटिकल एम्बिशंस थे मिस्टर जिन्ना के, प्लस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छुपाई भी गई थी, जैसे मिस्टर जिन्ना की टर्मिनल डिसीज़। सो इन सब चीज़ों से जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्लेस पे डिमांड था उसका कोई स्टैंड ही नहीं था, वीक फाउंडेशन थी। तो ये एक बात यहाँ पे इसने क्लियरली कहा। फिर
जो कॉमन एक सेंटर बनाए डिफेंस कम्युनिकेशन, ऐसी भी बात थी। पार्टीशन का अभी यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं है। फिर इसके बाद बोला इंडिया को एक लूज यूनियन बना दे इंडियन टेरिटोरीज का, जो सेंटर है सेंटर केवल डिफेंस कंट्रोल करे, मतलब एक लूज फेडरेशन टाइप हो गया यहाँ पे। इस टाइप की यहाँ पे बात हुई, लूज यूनियन हो यहाँ पे। तो पावर जो होगा वो डेलीगेट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देन ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन यूनियन सब्जेक्ट्स रेसिड्यूरी पावर में, ऐसी अक्सर क्या होता है आज भी इंडिया में देखो तो रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन यूनियन सब्जेक्ट्स रेसिड्यूरी प्रोविंसेस के पास है, वुड वेस्ट इन द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। रेसिड्यूरी पावर अदर देन दोज सीडेड टू द यूनियन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी, प्रोविंसेस से मेंबर आएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बाद में बनती है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही बनती है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया और तीन सेक्शंस में बांट दिया सारे राज्यों को। सेक्शन ए में इन्होंने वो राज्य ले लिए जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस था, जैसे बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल ओडिशा, मद्रास। सेक्शन बी में इन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ले लिए, नॉर्थ वेस्ट के सिंध और पंजाब। सेक्शन सी में इन्होंने बंगाल एंड असम ले लिया। तो इस तरीके से तीन पार्ट में, तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए मतलब जैसे अभी का इंडिया, सेक्शन बी मतलब पाकिस्तान, सेक्शन सी मतलब दिस बांग्लादेश एट्सेट्रा ब्रॉडली। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिवीज़न कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने बात किया कॉन्स्टिट्यूशन होने की ज़रूरत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। और ये भी बात किया कि अभी यूनाइटेड है, 10 साल बाद जो प्रोविंसेस है वो रिकंसिडर कर सकते हैं उन्हें यूनियन में रहना है या नहीं रहना है। तो फिलहाल के लिए पार्टीशन नहीं, उन्होंने 10 ईयर्स के लिए पोस्टपोन कर दिया। ग्रुपिंग जो था वो इस तरीके से बनाया गया कि जो लीग की डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, उनको सर्टेन ऑटोनॉमी भी मिले। कांग्रेस ने फर्दर डिमांड किया कि ग्रुपिंग ऑप्शनल होनी चाहिए, तो लीग वांटेड ग्रुप टू बी कंपलसरी, बाद में पता चलता है कंपलसरी है। फिर इसके बाद अग्रीमेंट भी नहीं होता है कैबिनेट मिशन प्लान का, एवरीबडी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। फिर डायरेक्ट एक्शन डे होता है, अब पॉलिटिसाइजेशन होना चालू हो गया और कम्युनल राइट्स बहुत बढ़ेंगे अब डायरेक्ट एक्शन डे, बिकॉज लीडर्स को भी अब अर्जेंसी नज़र आने लग गई और दे लाइक यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो रॉन्ग होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पे अनाउंस होता है 46 में, और फिर इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का स्टार्ट हो जाता है। क्लैशेस होने लग जाते हैं, रायट होने लग जाता है ऑल ओवर द सिटी, ये हाईली इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, वाइस रॉय लॉर्ड वेवल आते हैं। वाइस रॉय लॉर्ड वेवल बोलते हैं लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पर एक बहुत बड़े लीडर थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में नई गवर्नमेंट बनाने की बात होती है। अब मुस्लिम लीग ऑब्वियसली इसको नहीं करेगी, बिकॉज मिस्टर जिन्ना के अपने पर्सनल एम्बिशंस थे, तो क्लैशेस होंगे वहाँ पे। जैसे आप बाद में गवर्नर जनरल भी देखो ना, इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एट टाइम्स कैरी किया, कंटिन्यू किया। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 1950 में हो जाएगा। पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री बहुत अलग रही है, और टिल डेट पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड दिस डेमोक्रेसी होती है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो पाई। आप रीसेंट प्राइम मिनिस्टर तक देख लो, एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपना पूरा टर्म ठीक से कवर किया हो। सो बिकॉज फाउंडेशन ही यहाँ पे बहुत वीक डाली गई। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ 26 जनवरी बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क हुआ इंडिया में। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हुई। फिर नॉमिनेशन यहाँ पे हुआ, फिर लीग बाद में ज्वाइन कर लेगी ऑल दो। फिर ये वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे नेहरू जी को ये डिपार्टमेंट हुआ, इसको आप क्विकली गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ में क्विकली अभी शेयर कर रहा हूँ मैं, बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से 1947 आज़ादी आई। इसमें सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, ऐसे एक बार इसको क्विकली देख लेना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 292 सीट्स अलॉट होती है ब्रिटिश इंडिया को, इस तरीके से होता है। और फिर बात आती है प्रोविंशियल प्रोविंसेस से भी एक असेंबली बनती है। अब इस असेंबली का काम है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिलती है और चालू हो जाता है काम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। इफ़ यू हैव गॉट टाइम, अगर आप 2023 बैच के हो ना, तो एक यूट्यूब में संविधान सीरीज़ है, राज्यसभा टीवी, अभी संसद टीवी हो गया, संविधान सीरीज, उसको एक बार ज़रूर देखना, 10-12 वीडियोज़ हैं उसमें, उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे वर्क किया, संविधान कैसे बना, बहुत अच्छे इंसाइट्स वहाँ पे मिलेंगे।
फिर एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है जो बाद में प्रीएम्बल बनेगा, नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इनकॉर्पोरेट होता है एज अ प्रीएम्बल। अब 1947 आ जाता है। अब ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये भी हाईली इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे। पहले बात हुई थी 1948 तक सब सिस्टमेटिक वर्क होगा और फिर इंडिया का ऐसे इंडिपेंडेंस होगा, बट अब आ जाता है माउंटबेटन प्लान 1947 और अब ब्रिटिशर्स प्रायोरिटी है कि बस इंडिया से किसी तरीके से भागो यहाँ से। तो एवरीथिंग अब बहुत हैपहैजार्ड वे में होगा, हैपहैजार्ड वे में, और इससे होगा केओस। तो माउंटबेटन प्लान आता है, एटलीस्ट डिक्लेरेशन। अब इस एटलीस्ट डिक्लेरेशन जो था ना 48, जिसमें बोल दिया था इंडिया इस तरीके से बनेगा, अब ये 47 में ही जल्दी करने की बात हो जाती है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश गवर्नर थे, ये आते हैं 22 मार्च 1947 को इंडिया और 15 अगस्त को देश आज़ाद हो जाता है। तो 3-4 महीने में ही सब बहुत आनंद फानंद में चीज़ें होती है, केओस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है और एंट्रोपी होती है, ये चीज़ अब होती है यहाँ पे। तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया इतना जल्दी यहाँ पे। 15 अगस्त 1947 को इस तरीके से इंडिया फिर पार्टीशन हो जाता है और दो अलग अलग कंट्रीज बन जाती है। प्रोसीजर ये होता है कि अब चॉइसेस भी मिलती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बंगाल पंजाब की मिलेगी दो पार्ट्स में, डिवीज़न होने लग गया है रिसोर्सेज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एट्सेट्रा का। एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड दिस जो फाइनल ईयर्स थे ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, बिकॉज दे एक्टेड इन अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल मैनर, और ब्रिटिशर्स गए एंड देन पार्टीशन एंड ऑल यहाँ पे हुआ और ह्यूज लॉस हुआ लाइव्स का भी। अब एक और इन्होंने बदमाशी किया, बाउंड्री कमीशन अवार्ड इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेव देयर फेस। वो नहीं चाहते थे कि इतना कॉम्युनल टेंशन एट्सेट्रा वो ब्रिटिशर्स के ऊपर आए, तो डिले करते गए 12 अगस्त 1947, और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो रहा है। अब कितना केओस एंड एंट्रोपी होगा यहाँ पे, जो कमिटी बनती है रेडक्लिफ कमिटी एट्सेट्रा, ऑन द स्पॉट जाके भी वो पूरा डिमार्केट नहीं किया चीज़ों को, सब ऑन पेपर एट्सेट्रा हुआ, तो अटर केओस होता है और इससे ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है। तो वर्किंग कमिटी होती है, अब जो इंडियन लीडर्स हैं उनको भी लगने लग जाता है कि कॉम्युनल राइट्स इतने हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पार्टीशन को ही एक्सेप्ट करना ही बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में। फिर कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं वो इसको मना भी करते हैं, जैसे खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, फ्रंटियर गांधी, ये क्लियरली अपोज करते हैं कि दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। इन्होंने स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे, द खुदाई खिदमतगार्स वर बीइंग थ्रोन टू द वुल्व्स। सो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ये चाहते थे इंडिपेंडेंट यहाँ पे बने, तो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं होती। अब डिवीज़न हो रहा है, गांधी जी भी अभी यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। गांधी जी का प्राइमरली अब वर्क ये रहेगा कि कुछ भी करके कॉम्युनल राइट्स जो हो रहे हैं उसको स्टॉप किया जाए। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है और फिर इस तरीके से इंडिया जो फाइनल 1947 में होता है। तो इंडिया को फ्रीडम तो मिलता है, बट एट वॉट कॉस्ट? पार्टीशन ऑफ इंडिया, कॉम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे जो इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, माउंटबेटन जजमेंट आता है 1947 में, फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। तो ब्रिटिश विड्रॉवल का अब ये सब कंसेंसस बनने लग जाता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया अब एक रियलिटी होगी। ये रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन होता है, हाईली इररेगुलर और इररेस्पॉन्सिबली ये कंडक्ट करती है बाउंड्रीज को। तभी आप देखो ये ब्रिटिशर्स तो चले गए, हर जगह बाउंड्री टेंशन देखे गए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टेंशन हो, नेपाल के साथ बाउंड्री टेंशन हो, चाइना के साथ बाउंड्री टेंशन हो, बिकॉज इन्होंने क्लियर कट वे में अपना वर्क यहाँ पे किया नहीं, तो बाउंड्री इश्यूज अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, तो इस तरीके से बाउंड्रीज बनाई, इससे भी अटर केओस हुआ। अब रीज़न ऑफ पार्टीशन बहुत सारा हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मुख्यतः पॉलिटिकल इशूज ज़्यादा थे यहाँ पे, और ब्रिटिशर्स का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी क्वेश्चन उठा। तो दिस इज़ अ ब्लॉट, एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं, दिस इज़ अ ब्लॉट कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो सो कॉल्ड अपने आप को इतना सुपीरियर मानता है, जिस तरीके से इंडिया से विड्रॉवल हुआ, पार्टीशन हुआ, इट इज़ अ ब्लॉट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अब एक नया प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक थ्रेट ये भी था कि कहीं इंडिया बाल्कनाइज नहीं हो जाए, इतने सारे डाइवर्सिटी है, सो मेनी स्टेट्स हैं, तो इंडिया बाल्कनाइजेशन होने लग जाएगा, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज आ जाएगी, तो ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। बट थैंकफुली इस टाइम पे आते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल साहब। वल्लभ भाई पटेल साहब का जो स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग होता है, जिस टैक्टफुली ये सारे प्रिंसली स्टेट्स से डील करते हैं, उसका ये एक रिजल्ट होता है कि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आज की डेट में इंडिया में एक इंटीग्रेशन हो पाता है और एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड इंडिया यहाँ पे आता है।
कुछ स्टेट्स में डिफ़िकल्टी होती है, उनको ओवर द टाइम इंडिया में फिर इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे पुडुचेरी बाद में आता है, पुडुचेरी फ्रेंच अथॉरिटीज से लेते हैं, गोवा में पोर्तुगीज जा नहीं रहते तो हमें आर्मी भेजनी पड़ी दमन एंड दीव में। तो हार्डवर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज टीम ऑफ असिस्टेंट फ्रूटफुली इंटीग्रेटेड द इंडियन स्टेट्स टू फॉर्म अ यूनिफाइड नेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से 1947 में इंडिया हमारा आज़ाद हुआ, और ये कवर होता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल ये एक्सप्लिसिटली सिलेबस में लिखा हुआ है ये पार्ट प्रिलिम्स के, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, सो इसको आप क्विकली रिवाइज कर लेना, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट्सेट्रा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।